विधानसभा का जो चुनाव आज का था 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो अभी तक जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 जिले इसमें शामिल थे, 15 जिलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे। और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो मैक्सिमम जो नक्सल एरियाज था वो इन्हीं 15 जिलों में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे, उसमें से लगभग 2249 बूथ जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफ़ी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था, 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियों को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। झारखंड की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में जिलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था, क्योंकि चूंकि ये नक्सल फेज भी थी, नक्सल एरिया काफ़ी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी। और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज़ को हम लोगों ने हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ को हमने पहुँचाया था, जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ थे जिसमें मेजॉरिटी चैबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज़्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज़ में जो है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी ACs को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी QRTs भी लगातार काम कर रही थी। जहाँ तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि मैंने वो कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं है, बेसिकली लाभर लातेहार में एक ISR था जो लोकेशन था, कैंप था, जहाँ पे CRPF की टीम पोलिंग पार्टीज़ के साथ तैनात थी और उनको वहाँ से मुंडू एक बूथ है वहाँ पे जाना था। उसी क्रम में एक एक्सीडेंटल फायर उसी टीम के द्वारा हुआ जिसमें कि CRPF के कांस्टेबल संतोष यादव वो गोली लगने से ज़ख्मी हुए थे। इमिजिएटली उनको मॉर्निंग में ही जैसे ही ये खबर यहाँ मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से चॉपर डिस्पैच किया और उनका फर्स्ट एड पलामू में हुआ और उसके बाद पलामू से उनको एयरलिफ्ट करते हुए रांची लाया गया और रांची से अभी उनको जो है यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है दिल्ली भेजा गया है। उनकी कंडीशन स्टेबल है और उनके हाथ में गोली लगी थी, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक्सीडेंटल फायर था बेसिकली। आगे का इसमें डिटेल्स अभी वहाँ के कंसर्न ऑफिसर से उनको जांच करने के लिए बताया गया है। जहाँ तक केसेस से संबंधित है तो अभी तक कुल 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं, इसमें से एक कांके AC में हुआ है, एक रांची में, एक हटिया में।
और तीन केस जो है वो जमशेदपुर जिला में दर्ज हुए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर पूर्वी में 2 केस और जमशेदपुर पश्चिमी में 1 केस हुआ है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे। ये जो है मानगो थाने में केस दर्ज हुआ है। कोई मेजर वॉयलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना, और नक्सलियों के द्वारा भी कुछ एक जगहों पे ये प्रयास किया गया, जैसे कि उनके द्वारा जो है छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जो जाने के रास्ते थे उनको पेड़ गिराकर और उसमें आईडीज़ लगाकर अवरुद्ध किया गया था, बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उस पर एक्शन लेते हुए उसको हटाया गया, एसओपी का पालन करते हुए आईडीज़ को निष्क्रिय किया और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहाँ संपन्न हुई है।